देव घोड़ा के पोते के पोते ने वहाँ पर 300 महिलाओं के साथ रेप कराएगा, तो वो उससे भटकाने के लिए उसे कह रहे फेक वीडियो आएगी। तंत्र 19 में चुनाव हुआ, इनकी सीट जो है इन्हें वोट पड़ा 34%, सीट 285 आई, अब की बार तो वोट ज़्यादा घट रहा है, वोट आया केवल 20% इनका। ये वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, बेईमानी करना चाह रहे हैं, बाकी जनता ने जो है साथ दिया है, गठबंधन का साथ दिया है पूरी जनता ने। कोई भी चीज़ है वो 100% कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हों, कोई भी हो, नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूँ आपके साथ मेघा भाटिया। डेली आपको किस्सा कुर्सी के शो के माध्यम से दिखाती हूँ कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बारी जनता की क्या राय है, और यही जानने के लिए आज मैं आ गई हूँ तैमूर नगर दिल्ली के इलाके में, और आज जानूंगी यहाँ की जनता की क्या राय है। जनता ही चुनती है कि किसकी सरकार आनी चाहिए और किसकी नहीं, और आज सीधा जनता से ही जवाब लूंगी। चलिए जानते हैं जनता की क्या राय है। चलिए, हमारे साथ बहुत सारी जनता है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर आ सकती है 2024 में? जो है लहर तो आने वाली जो है मोदी जी की नज़र में आ रही है, और फिर वो तो अल्लाह के हाथ में है, जो भी हो जाए बस। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी आएंगे? मोदी जी तो बार बार अपनी रैलियों में मुस्लिम और हिंदू जी का नाम ले लेके जो है बात कर रहे हैं, और बार बार बोल रहे हैं कि मतलब मुस्लिम लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीच वाले लोग करते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे जी। क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में क्या क्या विकास हुआ, अगर आप मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या लग रहा है 10 साल में क्या क्या विकास हुआ है? विकास क्या, विकास तो जो सही हो रहा है, लेकिन जो बीच वाले लोग जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो तो सही कर रहे हैं, अपनी जगह पे सही है। ठीक है, आप क्या किसको वोट देने वाले हैं भैया? रुकिए जरा, अरे माइक नहीं पकड़ी। बीजेपी को। क्यों? अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कोई नहीं होती है। महंगाई नहीं लग रही आपको? कोई महंगाई नहीं है, ऐसे क्या महंगाई है, उतने ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्या बढ़ता चला जा रहा? रोजगार। रोजगार, आपने रोजगार की बात करी, रोजगार से आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना? नहीं है, रस्ते में लूट लेते थे, निकल नहीं पाते थे, अब कोई टच भी नहीं करता। आपके हिसाब से सुरक्षा अच्छी हो? अच्छी है। और क्या 10 साल में और क्या परिवर्तन चाहते हैं आने वाले 5 साल में, क्या लग रहा है अगर आप मोदी की सरकार चाह रहे हैं, मोदी जी की बीजेपी की, तो क्या परिवर्तन चाहते हैं कि और जो है चेंजेस आने चाहिए? सब ठीक ही आएगा, अब देखो आगे वो क्या होगा, जिसके आगे की नहीं। विपक्ष पार्टी के बारे में आपका क्या राय है, अगर हम बात करें कांग्रेस की, गठबंधन की, दिल्ली में केजरीवाल जी, उसकी क्या? केजरीवाल जी फिर दोबारा भी आएंगे दिल्ली में? अरे ये तो दोगले बने की बात हुई। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम जो है केजरीवाल जी को आना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री? हाँ जी। और प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी। अच्छा, सीएम के उस पे केस क्यों आप देखते हैं पद पे केजरीवाल जी? यहाँ के अच्छी सुरक्षा बढ़िया करते हैं केजरीवाल, बढ़िया स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है, सब बढ़िया है, स्कूल अच्छे बनवाए गए हैं, और बिल वगैरह आपका आ रहा है काम? जी सही है, सब सही आ रहा है। अच्छा ठीक है, और ये बताइए केजरीवाल जी जैसे जेल में है, आपको क्या लग रहा है सर किसकी सरकार इस बार? तो देखिए यहाँ की माहौल में क्या बताऊँ, अभी तो केजरीवाल जेल में है, अब पता नहीं क्या इनको है, कब तक निकलेंगे वो तो हमें मालूम नहीं। लग रहा है निकल पाएंगे चुनाव से पहले? अब कोशिश जारी है सरकार को, तो सरकार समझेगी इस बार मामले में कि इसको छोड़े क्या करें नहीं करें बस। लेकिन आप किसकी सरकार चाहते हैं सर? मैं तो दिल्ली में देखी मैम, अच्छा तो काम केजरीवाल ही किए हैं यहाँ पे, जहाँ मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं केजरीवाल जी को, और प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में वही अपना मोदी जी आएंगे। चाहते हैं उनको फिर से सत्ता में लाना? जी वो तो देखिए, लेकिन दिल्ली में सीएम केजरीवाल हो तो। क्या लगता है अगर जैसे केजरीवाल जी की अगर मैं जनता से बात करती हूँ, तो जनता को ये लगता है कि केजरीवाल जी को फंसाया गया शराब घोटाले में, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक से, इससे पहले क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया? जी, बिल्कुल, ये राइट बैट आप क्वेश्चन सही किया आपने इस मुद्दे पे, ये बात सही है। आगे भी तो बड़े बड़े इससे वाले घोटालेबाज बैठे हुए हैं, बीजेपी में भी तो घोटाला होगा, भी बड़े बड़े घोटालाबाज तो सारे बीजेपी में है, लेकिन तब पर भी अच्छा काम करते हैं जहाँ तक की, लेकिन हमारे दिल्ली में सीएम के तौर पे देखी जाए तो अरविंद केजरीवाल बेटर है। ईडी पर आपकी क्या राय है, क्या लगता है? ईडी के बारे में कहते हैं कि ईडी भी मिली हुई है, हुई
भगत है, अब कहूंगा तो आप लोग को भी बुरा लग जाएंगे, सारे आप ही नहीं सारे पत्रकार भी गोदरी मीडिया मोदी की तरफ ही है। नहीं सर, हम एक ही बात कहते हैं ना, पक्ष में ना निष्पक्ष में, सीधा नहीं। मैं तो एक ही आप कहना चाहूंगा, मेरा केजरीवाल जल्द से जल्द रिहा होना चाहिए, बस दस। क्या कह रहे हैं सर? किसी नेता का वोट नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे हम लोग को, ये कोसी महासेतु जो बन रहा है 15-20 गांव को, जो इसमें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, जो चढ़ने उतरने का कोई रास्ता नहीं दे रहा है हम लोग को। कहाँ पर? सुपौल जिला, बिहार। अच्छा, बिहार में? हाँ जी, बिहार के हैं। हाँ जी, हम बिहार वहीं से वोट देंगे। बिहार से भी हम किसी को नहीं देंगे, जो नेता काम को आगे बढ़ाएगा, चढ़ने उतरने का हम लोग को सुविधा देगा, उसके साथ सुविधाएं चाहिए आपको। पुल पे से चढ़ने उतरने के लिए रास्ता चाहिए ना हम लोग को, चढ़ने उतरने का रास्ता नहीं दे रहा है उस पे से। और क्या लग रहा है फिर 2024 में, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? अब कौन, जब हम लोग 15-20 गांव किसी को वोट ही नहीं देंगे, लोटा दबाएंगे। लोटा दबा देंगे, वोट को वेस्ट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं नीतीश जी को नहीं देंगे। नीतीश जी हमको सुविधा देगा चढ़ने उतरने का, अगर आप वोट देंगे, अगर उनको जितवाएंगे। मैं ये नहीं कह रही उसी पार्टी की बात करिए, अगर किसी को देंगे तभी तो सरकार काम कर पाएगी। जी नहीं, क्या काम कर रहा है? 20 आदमी का मौत हुआ, सरकार मरने वाले को 10 लाख रुपए दिया, क्या हो गया उससे, ये बताओ? जिंदगी वापस आ गया उसको, मिल गया। 15 लाख की बात करते हैं मोदी जी, 15 लाख आए आपके? जी नहीं, एक रुपया भी नहीं आया किसी के अकाउंट में। चिड़ाएंगे आपके बाद बीजेपी की, 41 नहीं होने वाली, बेमानी करेंगे। 400 लिया अभी, अभी 40 सीट नहीं आने की उत्तर प्रदेश के अंदर, बेमानी 500 लिया, हमें बेमानी करेंगे। सन 2019 में चुनाव हुआ था, सॉरी सन 2014 में चुनाव हुआ था, इनको 44% वोट पड़ा था, 305 सीट आई थी। सन 2019 में चुनाव हुआ, इनकी सीट जो है, इन्हें वोट पड़ा 34%, सीट 285 आई। अब की बार तो वोट ज्यादा घट रहा है, वोट आया कल 20% इनका, ये वोट परसेंट बढ़ा रहे हैं, बेमानी करना चाह रहे हैं। बाकी जनता ने जो है साथ दिया है, गठबंधन का साथ दिया है, पूरी जनता ने, पूरे भारत की जनता ने, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देना चाहते हैं जनता। क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार? मोदी का सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छी काम करता है। क्या अच्छा काम? वो तो गरीब दुखी के सबका घर घर मिला है, हमारे भी राशन मिल रहा है, राशन भी 15 लाख मिले, 15 लाख नहीं मिले तो राशन फ्री मिलता है, और घर तो पक्की घर बना लिया मैंने, घर पक्की घर बना। हाँ, सुरक्षा कैसी हो गई? सुरक्षा तो अभी अच्छी है, अच्छी है, विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है। अपने काम से खुश हो? हम काम, महंगाई नहीं लगती? महंगाई थोड़ी है, किंतु महंगाई लगती है। विपक्ष पार्टी से किसी और को? और हम सब तो मोदी के ही सपोर्ट करता हूँ। ठीक, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी। क्यों? बीजेपी काम अच्छे हैं। क्या क्या काम अच्छे हैं, आप गिनवाइए मुझे। बीजेपी का काम जो है, मैं तो क्या है कि अपना राशन अच्छा दे रही है, वो 5 किलो अनाज दे रही है, गरीबों का काम आ रहा है वो। जनता के हिसाब से जो अनाज दे रही है, जो आटा दे रही है, वो तो खाने लायक भी नहीं है। कौन कह रहा है खाने लायक नहीं है? मेरे जनता कह रही है, गरीब जनता कह रही है। मैं नहीं कह रही सर, मेरा सर्वे रोज होता है, किस्सा कुर्सी का मैं रोज दिखाती हूँ, रोज मैं बात करती हूँ, लेकिन वो जो है खुश नहीं है। जो खुश नहीं है उसको तो कुछ कह नहीं सकता। मेरे घर में राशन आ रहा है, लेने को तो मैं आशीर्वाद का आटा भी ले सकता हूँ, पर मेरे को पता है कि मेरे, आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। मेरे घर में 5 मेंबर हैं, 5 किलो के हिसाब से 25 किलो मेरा गेहूँ आता है, उससे मेरी रोटी अच्छी बन रही है, मैं अच्छा खा रहा पी रहा हूँ। ठीक है, चलो आपने ये एक गिनवाया, दूसरा क्या है कि यहाँ पे बीजेपी सरकार के आने से अच्छे काम हुए हैं, रोड अच्छे बने हैं, हाईवेज वगैरह बने हुए हैं, तो वह चीज़ एक विकास कर रहा है भारत, इस चीज़ को लेकर बाहर विदेशों में बीजेपी के नाम से भारत का नाम रोशन हुआ है। जाहिर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? दिल्ली में देखा जाए तो वैसे केजरीवाल बनना चाहिए, दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो केजरीवाल ही बेस्ट ही है। क्यों भाई बेस्ट है? उसने गरीबों के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है। अब लोग कहते हैं कि जी फ्री की राजनीति कर रहा है, फ्री की राजनीति कहने को बंदे कहते हैं, जिसको केजरीवाल पसंद नहीं वो कहेगा, लेकिन गरीबों के लिए फ़ायदा कर रहा है वो। आप एक बार बताइए, फ्री एजुकेशन दे रहा है, किसी भी आज के इतिहास में किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कदम नहीं उठाया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर उसने उठाया, फ्री सेवा कर रहा है वो, मेडिकल सुविधा दे रहा है, अच्छी दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं सारी जो फ़ायदा कर रही है लोगों को, तो यही चीज़ें हैं। और बात कर रहे हैं आप स्कूलों की, जो विपक्ष पार्टी यानी कि बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि दिल्ली के स्कूल जो है इतने अच्छे नहीं हैं, जितना उन्होंने कहा था, उतना वादा जितना किया था, उतने अच्छे स्कूलों पे काम नहीं हुआ है।
तो क्या लगा? स्कूलों में काम क्यों नहीं हुआ? देखो जी, मैं एक्चुअली क्या है, मैं इस एरिया में रहता नहीं हूँ, किस एरिया में रहते हैं तो दिल्ली के नागरिक कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी में रहता हूँ, यहाँ पर मैं किसी काम से आता हूँ। रोहिणी के बारे में कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ने कितना अच्छा काम किया, वो भी अच्छा काम गिनवा रहे हैं। अच्छे काम के लिए केजरीवाल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कुछ। देखिए, मेरे भी बच्चे, तीन बच्चे हैं, एक छोटा है, लेकिन दो स्कूल जाते हैं केजरीवाल के ही गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद महबूब हुआ, मैं बदरपुर से हूँ, ठीक है जी। यहाँ मैं अपने काम ही के सिलसिले में, अगर क्या कहें, हमारे सीएम केजरीवाल को दिल्ली में चलने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वो भी जितना ये सबकी अभी सत्ते में है, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बीजेपी की पार्टी की बात की पार्टी वो कर रहे हैं, उन्हें छूट ही नहीं दे रहे। एक छोटा सा गलती में ईडी वाले ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये बताइए, अच्छे काम की अगर मैं कहूँ तो हमारे निजी से मतलब सारे भाइयों की तरफ से केजरीवाल बेटर है। दिल्ली के हिसाब से तो मैंने आपको कहा कि सीएम जो रहेगा वो केजरीवाल ही रहेगा। और जो देशी रोजगार का एक मुद्दा है जो मेरे रोज शो में उठ रहा है कि बीजेपी सरकार ने कहा कि रोजगार देंगे, कहाँ दिया? नौकरियाँ नहीं है युवाओं के पास। मैं रोजगार हूँ, मुझे दे दो अभी नौकरी। सच में बताओ, मैं ड्राइवर हूँ, मुझे भी दे दो। कहीं अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आप रिपोर्ट कर रहे हो ना, मैं बेरोजगार हूँ, कहीं दिला दो हमें नौकरी, या आप ही रख लो मुझे, मेरे भी बाल बच्चे हैं। बताओ, हम तो बिहार से रहने वाले हैं। ठीक है, न्यूज़ वाल इंडिया की तरफ से सुन लीजिए, अगर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता या जो भी सपोर्टर्स है वो अगर देख रहे हैं तो इनको यहाँ से जॉब दिलाए। युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, मिल रहा है रोजगार? मैं तो कभी खाली बैठा नहीं मैडम, मैंने अपने दम पे ही रोजगार लिया है। मैं कभी ये नहीं कहता गवर्नमेंट मुझे रोजगार देगी तो मैं करूँगा, अगर मेरे में हिम्मत है मैं काम करूँगा तो मिलेगा। सर, जैसे वो हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं सर? मैं बीए फर्स्ट ईयर किया हूँ मैम। बीए फर्स्ट ईयर की है, लेकिन कम नहीं है सर, ये भी बीए फर्स्ट ईयर भी, ठीक है। अपना तो कोई बिजनेस है नहीं, इतने पैसे वाले हों नहीं कोई बिजनेस कर लो। ये भाई साहब अच्छे हैं, अच्छे घर के होंगे तो इनके पास कोई बिजनेस होंगे या कई तरीके से आपकी मतलब सोर्स होंगे इस पे कर रहे हैं। सर, सबके पास इतना पैसा नहीं होता ना कि अपना बिजनेस खोल ले, ये बात इनकी सही है। अगर सरकार वादे कर रही है, जैसे अभी आप बात करती हूँ, मैं कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करती हूँ जो इस साल आया, उस पर गांधी जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं रोजगार भी दूंगा, लोगों को जॉब दूंगा। उन्होंने 1,00,000 महिलाओं को देने की बात करी है। अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 सालों में मोदी जी ने कहा था सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे, वो भी नहीं आए। वो तो नहीं आए, वो तो सही बात है, उसका तो कई कैसे बिल्कुल मानता हूँ उस चीज़ को। जो गलत है वो गलत बोलेंगे, जो सही है वो सही बोलेंगे। बताऊँ तो सबका साथ सबका विकास, पता है हुआ विकास? अभी तो आप पीछे खड़े होकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको ही आना, लेकिन हुआ इतना भी विकास कहने का मतलब नहीं हुआ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, रोड वाइज वाले, क्या गरीब आदमी रोड पे खाएंगे? ये पहले ठीक है, ठीक है, अंकल से जवाब ले लेते हैं। अंकल कुछ कह रहे हैं, हटना भैया, भैया यहाँ से हटिए। मोदी जी ने क्या नहीं करा भैया, क्या नहीं करा? हम कह रहे हैं क्या नहीं करा, हमने कांग्रेस भी देखी है मैडम जी। आप मुझे काफी वरिष्ठ लग रहे हैं, मुझे यकीन है इन्होंने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, इन्होंने बीजेपी की सरकार। कश्मीरी गेट से अलीगढ़ के लिए जब गाड़ी में बैठ के जाते थे 8 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे। रोडों का विकास हुआ, हाईवे बनवाए, ठीक है, क्या नहीं करा? रोजगार की बात कर रहे हैं सर, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार तो बहुत है, करने वालों की कमी है, रोजगार क्या नहीं है? सर नहीं है, मैं किस्सा कुर्सी का एक शो करती हूँ सर, डेली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स के लिए परेशान है, इवन वो बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी। बहुत कम बेरोजगारी है अगर कांग्रेस को देखे से। क्या आप इस बार फिर से लेके आएंगे मोदी जी को? क्यों नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? इतने बड़े भारत को गरीब आदमियों की टॉयलेट बनवाई, मकान बनवा रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में आप क्या चाह रहे हैं? किसी राजनीति नहीं कर रहा हूँ किसी की, ना मैं राजनीति से हूँ। दिल्ली में आप किसकी सरकार चाह रहे हैं सर? तो उसका वो देख रहे हैं काम, खाना कितना फ्री अनाज बांट रहा है, क्या नहीं दे रहा हूँ। दिल्ली में आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी जब भी विकास, केजरीवाल का काम आपको पसंद? मैडम साहब बकवास, आज चोर ना होता तो ये जेल में होता। सर आपको क्या लगता है, सिर्फ ये जितना भी करप्शन है सिर्फ आम आदमी पार्टी की उसमें है, बीजेपी बिल्कुल क्लीन? हम जब घोटालेबाज नहीं है तो हमें ना अंदर कर दे कोई। क्यों नहीं बात करती इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बीजेपी? अरे बात तो करेंगे, बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो क्यों नहीं करती? जब भी सवाल पूछते हैं कोई नहीं बोलते सर। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे करप्टेड होंगे ना सर? ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये चोर हैं सब।
चलिए ठीक है सर के हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं करा। आपको क्या लग रहा है सर किसकी सरकार आ सकती है? क्या नाम है आपका? अकबर अली अंसारी। क्या लग रहा है सर किसकी सरकार आ सकती है? हमें तो ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी लग रहा है। और चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं, हम तो पहले से बीजेपी वाले हैं। अच्छा बीजेपी वाले? हम यहाँ से नहीं, हम वहाँ से हैं, ठाकर द्वारा से। अच्छा, जिला मुरादाबाद। क्या क्या आपको लग रहा है किन किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं या सिर्फ स्टार्टिंग से बीजेपी को? हमारे हिसाब से तो ठीक चल रही है सरकार। सही चल रही है, अच्छी चल रही है हमारी। मोदी जी जो बार बार बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, उस पर आपकी क्या राय है? क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी खुद अपनी स्पीच में बार बार हिंदू मुस्लिम का नाम ले रहे हैं सर, तो उससे क्या है? अब वो है, उनकी राजनीति है, वो ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में तो गलत नहीं कर रहे हैं। जो काम हिंदू के साथ कर रहे हैं वही मुसलमान के साथ कर रहे हैं। बताओ, ऐसा तो नहीं है जो कि कोई भेदभाव कर रहे हो। हमारे हिसाब से तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है? आप दिल्ली के रहने वाले? नहीं, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। कहाँ के? मैं जिला मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से? वहाँ पर आपकी कोई ऐसी हो विपक्ष पार्टी को अगर आप देखते हो टक्कर देने के लिए गठबंधन की? हमारे यहाँ तो देखो दो है लोग, तुम्हारे की समाजवादी और वही गठबंधन की सरकार। जी हाँ, गठबंधन की सरकार लग रहा है। गठबंधन के चांसेस इस बारी? अब देखो क्या होता है, अभी तो वक्त बताएगा। अभी तक अमेठी से सीट नहीं अनाउंस करी, उस पर आपको क्या लग रहा है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखो ये इलेक्शन है, अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तो खुलने में भी लगभग अगले महीने में 4 तारीख के बाद खुलेंगे वोटिंग, तो अभी कुछ इलाके के वोट भी बाकी हैं पढ़ने, है नहीं? तो अभी तो तीसरा चरण आना है सर 7 मई, तो इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हम। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है सरकार, क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार किसी की भी बने, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरमेंट है, डिस्चार्ज कर दिए थे 1991-92-93 में सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की है, सेंसर डिपार्टमेंट में। छठी क्लास करने के बाद आज तक हम लोग नौकरी नहीं मिला, और देखिए अब आइसक्रीम बेच रहे हैं हम। नौकरी नहीं मिला आप? सर 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी किए हैं। अच्छा, 91-92-93 तब तो कांग्रेस की सरकार थी सर। किसी की भी सरकार रहे तो उनकी सरकार से भी आप खुश नहीं थे? कोई नौकरी नहीं मिले तब क्या करें? और आप बीजेपी की सरकार से खुश हैं? हम किसी की सरकार से खुश नहीं। 70 साल पहले हवाई जहाज नहीं था, अभी हवाई जहाज है। तरक्की तो करी सर आपने। चाहिए लगातार किसी को एक बार। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए? ये बिल्कुल बदलनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो फिर एक जागीर बन जाता है। तो क्या किन किन मुद्दों पे आप वोट देंगे सर, अगर वोट देने जाएंगे? हम देने तो बस परिवर्तन के नाम पर देंगे। फिर भी किसका बटन दबाएंगे ये तो बताएं? बटन दबाने का परिवर्तन होगा, जिसका लोटा का दबा है, हाथी की दवा है, घोड़ा का दवा है, किसी की दवा है, दबाना तो है। कांग्रेस किसी की भी दवा है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे। आप क्या काम करते हैं? हम तो कारपेंटर हूँ। मैं कारपेंटर हूँ। खुश हो अपने काम से? हाँ मैं खुश हूँ। अच्छा, किसको वोट देने जा रहे हो इस बार? ओ बीजेपी जी के देंगे, और क्या देंगे। हमारे बीजेपी क्यों? वो हमारे तरफ वही चल रहा है ना। आपकी तरफ वो चल रहा है? हमारे बिजली भी नहीं थी, और क्या पानी? दिल्ली में रह रहे हैं? नहीं, हम गांव में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हैं, नीतीश जी को पसंद कर रहे हैं आप? नीतीश जी जो देखिए अब क्या बोल तो कह रहे हैं हमारे बाप बिहार में कोई काम नहीं हो रहा। आइए भाई इधर इधर आइए इधर आइए। ये कह रहे हैं हमारे बिहार में काम नहीं, ये कह रहे हैं बिहार के रहने वाले हैं, आपके भाई हैं ये, बिहार में रहते हैं। नीतीश जी ने माँ से तू पुल जो बन रहा है, ये पुल कैसा गिर गया ये बताओ। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। 20 आदमी दबा, उसमें 20 आदमी की मौत हो गया। अब वो क्या करेंगे? कोई नहीं कुछ कर सकता है, जिसको मरने का रहेगा सब कहीं भी मर सकता है। नहीं पब्लिक अभी यहाँ इतने आदमी हो जानबूझ के मर रहा है। आएगी नहीं अभी, जिसको जो भविष्य में रहेगा ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। 50 आदमी यहाँ पे खड़े हैं तो जानबूझ के आदमी अपने आप मर जाता है भविष्य में, ये बताओ। आपकी सर पुल गिरा, उस पे तो सरकार भी जिम्मेदार बनती है। हाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके साथ? इन बिहारी भाइयों के लिए बहुत चीजें सोचनी चाहिए कि पुल गिरा, ये जब भी नीतीश को वोट दे रहे, वोट ही ना दे। ये तो वोट ही नहीं दे रहे ना, ये बहिष्कार कर रहे हैं। अरे भैया इसलिए नहीं दे रहे, नहीं स्कूल है, नहीं कहीं सड़क पे रहा है, बताओ किस मुद्दे पे वोट दे उसको, ये बताओ। नीतीश ने कोई कमराज नहीं किया जो है, ऐसी बात नहीं है जो है। राहुल गांधी को दो, मतलब नोटा का बटन नहीं दबा रहे, नोटा का पप्पू। ठीक है, क्या आप क्या कह रहे हैं? पप्पू नहीं है वो, बहुत अच्छा नेता है। बोले ना पप्पू है। नहीं बहुत अच्छा नेता है वो। क्या काम कर रहे हैं आपके लिए?
जब सरकार आएगी तभी तो बताएंगे। क्या क्या आपको लग रहा है अगर आती है सरकार तो किन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा? नहीं, जो मुद्दे पे होने वाला था वो भी होगा, नहीं होने वाला था वो भी होगा। जब कांग्रेस 4% GST लेके आ रही थी, जब कितना बीजेपी ने आंदोलन करा था, अब बीजेपी 18% GST है। GST की मैं बात आपकी मान रही हूँ। मोदी जी को आप किन किन मुद्दों पे पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी अच्छा काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं करते। कार्यकर्ता GST वगैरह तो उन्होंने ही लगाया ना, कार्यकर्ता ने थोड़ी लगाया सर। वो तो जनरेशन जैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी GST भी बढ़ेगी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे खुश नहीं है GST से, आप कह रहे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डर है कहीं ना कहीं बोलूंगा। की बात बोल रहा हूँ ना मैं, 2006 में थी जब कांग्रेस लेके आई। महंगाई आपके हिसाब से बढ़ रही है? बहुत। क्या क्या बोले, इधर आइए। बहुत बढ़ रहे हैं वो बोले। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, यहाँ पे बिहार से मुझे ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। बिहार से हम। आप किसको वोट देंगे? हम तो मैडम जी, हम जो है वोट बीजेपी को दे हैं, ठीक है। हाँ, क्यों? इनके काम अच्छे हैं इसीलिए हम उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी और सब जो भी है जिसका सरकार, महंगाई ज्यादा हो रहा है GST लगा दिया इन्होंने, ठीक है ना। ज्यादा GST में भी हो रहा है, कह रहा था पहले बिजली बिल माफ करेंगे, अभी बिजली बिल भी माफ। फिर भी आपने बीजेपी को वोट देना? चलिए, उसमें क्या है ना, जा सर ने कहा परिवर्तन जरूरी है, आप भी परिवर्तन का सोच लीजिए। बिल्कुल, वो बात सही है, ठीक है ना। पर मोदी जी आगे के लिए अच्छे काम कर रहे, विकास कर रहे। मोदी जी जो है ना अच्छे काम कर रहे आगे के लिए। 15 लाख की बात करी थी मोदी जी ने, आया आपके अकाउंट? नहीं आया, नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं, 0-0 है। 0 लाख, 15 लाख कहाँ से बोले थे उन्होंने, किस जगह से बोले थे? कहा था कि सबके अकाउंटों में आए। कहाँ से बोले थे, किस जगह से? गुजरात से बोले थे, लाल किला से। जब लाल किला से आदमी एक बोलता है कोई तो कानून बनता है। सबसे देश का किला है वो, वहाँ मुख्य धारा के किला है, वहाँ से जो जवान से निकलता है वो कानून बन जाते हैं। फिर वहाँ से बोले उन्होंने 15 लाख रुपया देंगे, क्यों नहीं दिए? 15 रुपये भी नहीं आए, 15 रुपये नहीं आए। तो वहाँ से झूठ, तो यहाँ से समझो झूठ। काले धन की बात करी थी तभी शायद उन्होंने कहा था कि 2000 के नोटों की नोटबंदी करा दी, पहले 500 के करा दिए, 1000 के करा दिए, कहा था काला धन होगा वो आएगा, आया वापस? काला धन कहाँ है, काला धन किसी के पास नहीं है, जो है तो इलेक्ट्रो बॉन्ड में चला गया। इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। जो काला क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो बन गए आप, आपने काला धन उतूला, मान लो आपने काला धन आपके पास आया, नकली फर्जी कंपनी बना दिया, फिर आपने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद के सरकार के हवाले, किसी पार्टी का हवाले। आप दिल्ली रहते हैं सर? नहीं, मैं तो बिहार रहता हूँ। बिहार रहते हैं आप भी, अच्छा ठीक है। आपको क्या लग रहा है सर 2024 में की बात करिए, पीछे कहाँ जा रही है सर? मोदी आएगा, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस, ये कह रहे मोदी, आप कह रहे कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने किया ही क्या है, पंजाब तो बोलते हैं। अच्छा, तुसी पंजाब से हो, पंजाब में क्या लग रहा है सर इस बारी? पंजाब से इस बारी कांग्रेस से आएगी, कांग्रेस आएगी। हाँ जी, क्यों? आदमी पार्टी ने कुछ किया ही ना, मोदी ने कुछ किया, कुछ नहीं किया है। साढ़े बातों बात यही है, साढ़े लोग मरवा रहे ने। पहला सिद्धू मूसेवाला मरवा था, फिर जी साढ़ा वो थी एक क्रिकेट खिलाड़ी थी, ਉਹ ਮਰਵਾਤਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਮਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਆਈ ਕਾ ਹੈ? 400 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਸੁਣੋ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਕੀ ਸੁਣਤੀ ਫਿਰ ਆਪਕੀ ਸੁਣਤੀ। ਕੀ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਫਸਲ ਹੈ ਆਪ ਉਗਾਓਗੇ ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਕਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੋਗੇ ਨਾ ਆਪ? ਅਗਰ ਮਹਿੰਗੀ ਆਪ ਦੇਣੀ ਮਹਿੰਗੀ एक सेकेंड उनका सवाल ये है कि अगर नौकरियां यहाँ मिल रही होती तो वो अपना घर छोड़ के क्यों जाते हैं? आपने बात करी कि कांग्रेस कोई काम नहीं करती है, ठीक है, पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप युवा हैं, ठीक है, रोजगार आपको मिला? मिला, मैं तो काम कर रहा हूँ खुद। क्या काम कर रहे हैं? मैं तो घर में कुकिंग का काम कर रहा हूँ। तो आप अपना खुद का काम कर रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने तो बात करी थी कि सबको नौकरियां देंगे,
जो पढ़े लिखे सर आजकल जो युवा है ना, मैं डेली सर्वे कर रही हूँ, हर एक एरिया से कर रही हूँ। आज मैं इस एरिया में पहली बार आई हूँ, यहाँ पे भी आके मुझे बार बार सुनने को ये मिल रहा है रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, जब तुम करोगे नहीं तो रोजगार कहाँ से होगा? हाँ सर एक बात बताइए, मोदी थोड़ी ना आपसे पूछते। हाँ जी, हम लोग नहीं कर रहे रोजगार, रोजगार नहीं कर रहे। आपको मिल रहा है तो गाड़ी पे? हाँ रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल कमा रहा हूँ, बिल्कुल कमा रहा हूँ, कमाने वाला ठीक कमा रहा। अब वो ज्यादा कमाने के लिए सऊदी अरब जाएगा। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? नहीं हम अपना कर रहे हैं। अरे तो आप अपना काम कर रहे हैं ना सर, नौकरी की बात हो रही है यहाँ पे, सरकारी नौकरियों की बात कर रही थी, कहाँ मिली? फैक्ट्रियों में जाते हैं हम, ऐसी फैक्ट्रियों में जाते हैं, साढ़े शहर फैक्ट्रियां ने, असी उत्थे जाते हैं, उत्थे सानू पता कितनी तनखा ते रखते हैं, 5500 ते 6000 ते महीने तनखा ते रखते हैं। लेकिन सर सरकारी नौकरियों की बात करी थी, वो नहीं मिल रहा है युवा को, युवा ही कुछ नहीं है। 100% 80% मिल गए, 20% नहीं मिला है। आप कह रहे हैं, आप पूरे आश्वासन के साथ कह रहे हैं? कह रहा हूँ हमारा बंगाल तो युवा जो इसको जो युवा है सर वो तो परेशान हो रहे हैं, आप नहीं परेशान हो रहे, लेकिन ऐसे बहुत से युवा है तो बहुत परेशान हो रहे हैं। भाई आपसे आप सीधा सरकार का भरोसा करेगा तो नहीं चलेगा ना, खुद अपना भी कोशिश करोगे ना। डंगर पशु रख लिए, कोई बिजनेस कर लिए, सानू कोई प्रॉफिट नहीं होता, असि डंगर का काम करते हैं, ओदे विच सानू दुध साडा जांदा मसा 40 रुपये 45 रुपये, जो असी खुराक पाने डंगर वह साड़ी फीड जो पैती है 45 रुपये 46 रुपये फीड पैंती है, तूड़ी का रेट वो होया पाया 10-12 रुपये रेट तूड़ी का होया पाया, तो आप सोचो असं डंगर कितों पाल लेंगे, दुध असं पाँच जाने 40-45 रुपये वह भी सबके हिसाब से महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ कम आ रहे, महंगाई है ही नहीं, तुम महंगाई है ही कहाँ, आप बताइए। जैसे दौर चल रहा है वैसे महंगाई है, जैसे वो पहले का बात कर रहे 2006 का बात कर रहा है, 2006 में कितना महंगा था। सबकी अलग अलग राय है, सबकी अलग, आपको क्या लग रहा है सर किसकी सरकार? क्या कौन दिल्ली है? पप्पू यादव आएंगे। अच्छा क्यों? पप्पू यादव आएंगे। क्या क्यों, क्या लग रहा है उन्होंने ऐसा क्या काम करना है? बहुत अच्छा काम किया है, जो भी किया है बहुत अच्छा किया। आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम चाह रहे हैं? बहुत कुछ उससे बहुत चाहते हैं। आने से नहीं, काम क्या क्या काम करेंगे? जो अब आएगा तभी तो करेगा, अभी तो आ ही नहीं रहा तो कहाँ से करेगा। जब आए सर आप यहीं से हैं सर, दिल्ली से? क्या चाह रहे हैं सर, किसकी सरकार? किसकी सरकार है, कोई भी सरकार आए बढ़िया काम हो। आपके सबसे भी बढ़िया काम हो रहा है? कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा, मजदूरी तक नहीं निकल रहा पब्लिक का। हिसाब से तो बहुत काम है, तो मेहनत करके खाएंगे तब ना पता चलेगा कि कैसे खाया जाता है। रिक्शा आदमी को आजकल फ्री में कोई नहीं देता हो गया, अरे अपना कमा के करो तब पता चलेगा क्या होता है। बस अब्बा का खाया पिया है, बस भूला लिया हो गया, क्या मिल रहा है बताओ। दिल्ली में सर किसको पसंद कर रहे हैं? दिल्ली में किसको पसंद? दिल्ली में केजरीवाल है। केजरीवाल तो खुद जेल में है। अरे जेल में है, उसका तो जो भी कर लो सब जेल ही में रखोगे, सबको जो बोलेगा वो भी जेल में जाएगा। अगर राजनीति थी जेल में डालने इलेक्शन, तो राजनीति क्या है कि पब्लिक को इतना सुविधा देने के बाद भी उसको जेल में कर दिया, शराब घोटाला किया भाई, कुछ तो कमी है इसलिए जेल गया। कुछ तो मिला उसके पास, एक का दो दे रहा था बढ़िया था, तो कुछ तो मिला है, एक का दो दे रहा था तो बढ़िया था, क्या है उसको कुछ मिला इसलिए जेल गया ना, एक का दो पेटी मिल रहा था तो बढ़िया था। चलिए ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी राशन भर रहा था घर में है भैया, कोई भी आवाज सब चोर है, काम करते नहीं यार। मैं तो कहूँ कोई भी जीता, पर केजरीवाल इस दिल्ली में से 7 सीटों में से 3 या 4 तो ले जाएगा 100%। ले जाएगा। क्या लग रहा है लोगों को, अभी भी पसंद कर रहे हैं, जेल में है, क्या लग रहा है कि ये जो एक सिनेरियो बिठाया गया इलेक्शन के टाइम पर, जेल करा दिया गया शराब घोटाले पे, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि वोट्स कम हो जाएंगे, क्या लग रहा है उल्टा हो सकता है? पहले ये बताओ, हर स्टेट में मुख्यमंत्री की बहुत वैल्यू पावर होती है ना, उसके पीछे कितने कितने वो होते गनमैन सब होते, ये बेचारा अकेला घूमता तो ये क्या करेगा। लेकिन सर जो मकान लिया उस पे भी तो सब उठा रहे हैं अपना, इतना आलीशान घर का जो वादा किया था नहीं लेंगे वो ले लिया, तो उसकी इंक्वायरी कराओ ना, अगर वो उसने गलत तरीके से लिया तो इंक्वायरी कराओ, पकड़ा जाएगा तो चोर है, अब बेफालतू का इल्जाम लगा रहे, कुछ प्रूफ तो दिखाओ ना। अभी तक प्रूफ नहीं दे पाई है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में, चलो आपने भी मुख्यमंत्री की बात करी, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसका चेहरा देखते हैं 2024 का? केजरीवाल तो ना बन रहा, तू भी केजरीवाल पूरा ही मंत्री बना दे एकदम ही,
मुख्यमंत्री बहुत है, दो स्टेडियम में पहुंच गया, पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा यार। मेरे हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए बस, बहुत राज हो गया कांग्रेस से। कौन सा चेहरा? आदमी और गरीब हो गया, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आनी चाहिए, वो गरीब आदमी का कुछ तो करेगी ना। नहीं, लेकिन आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से किसका चेहरा? राहुल गांधी। राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी, उनको तो ये सब पप्पू पप्पू बुलाते हैं, कहते हैं इनको बोलने की बात करने की वो नहीं। राहुल गांधी मीठा है, पप्पू कैसे बन जाएगा वो? नहीं सर, उनको ये कहते हैं कि बात करने का, इस पे बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि बात कुछ करनी होती है बोल कुछ जाते हैं। अब ये तो जो ना हर चीज का फैसला करती है जनता, अब जनता के मन में क्या है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्या तो चलिए, अगर आप कांग्रेस को चाहते हैं तो कांग्रेस के क्या, मेरी वोट से क्या हो रहा? नहीं, कांग्रेस को चाहते हैं आप, कांग्रेस को चाहते हैं तो क्या क्या मुद्दों में चाहते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ परिवर्तन होना चाहिए? गरीब आदमियों को रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो बेचारे 8-8, 10-10 हजार रुपए में जॉब कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो ये भुखमरी नहीं है तो क्या है? गरीब आदमी और गरीब हो गया, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा, तो ये मुद्दा है बस मेरा, बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार आएगी जी। कांग्रेस की सरकार आएगी आपको लग रहा है, क्यों, किन मुद्दों पे? 100% आएगी, 100% आएगी, बिल्कुल। किन मुद्दों से? किन मुद्दों से? आप देख लीजिए, राहुल गांधी जो है बिल्कुल जो है गरीबों के साथ जो है देख रहे हैं, उनके जो है मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। बीजेपी नहीं चल रही, बिल्कुल कहाँ चल रही है, वो तो वह समझ लो कि बिल्कुल जमीन पा गई, गड्ढी में चलती है। इस देश से जो है ना गायब होने वाली है 1924 के बाद में। तो क्या लग रहा है, अगर आ जाते हैं आपके राहुल गांधी जी तो क्या परिवर्तन आएगा? बहुत परिवर्तन आएगा जी, ये उनकी 5 गारंटियां हैं, 25 नहीं आई है गारंटियां, ये पूरे मैनिफेस्टो की बात करूं जो अभी निकाला है कि युवाओं को सरकार जॉब देंगे, 1,00,000 महिलाओं को देंगे, वो बिल्कुल देंगे, आएंगे तो सुधार आ सकता है, पूरा सुधार आएगा जी। मोदी का जो क्या है, वही तो वो झूठे हैं, सबसे बड़े झूठे हैं ये तो विश्व में, झूठे नहीं है, झूठे इसलिए हैं ये आते सच का बोलते हैं। अभी आपने एक सुना, अभी आपने सुना होगा इनका एक डायलॉग सुना होगा, मंगलसूत्र जो है मंगलसूत्र कहाँ जा रहे हैं लेडीजों के, जा तो इधर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2 मकान होंगे तो 1 चला जाएगा, तो ये तो वो वाली बात हो गई, गरीबों के पास किसानों के पास 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस जो है चली जाएगी, ये कौन सी बात है मोदी? अभी हिंदू मुस्लिम पान क्या कह रहे भैया आपके हिसाब से? नहीं नहीं, आप पूछ रहे थे, नहीं अभी आप बोल रहे थे, देखिए बोल, जनता को बोलने का हक है। नौकरी तो एक इंसान को मिलता है, हर सब इंसान को थोड़ी ना नौकरी मिल जाता है, जनता तो यहाँ पे सब इंसान देख रहा है कि कौन सा इंसान काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और यहाँ देखते हुए अभी चल रहे हैं, अभी तो देखते हुए चल रहे हैं कि कहाँ क्या है नहीं है, अब आगे क्या फैसला हो रहा है वो तो फिर ऊपर वाला ही। ये तो फैसला देखिए 4 जून को आपको पता चल जाएगा। आपको क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई कोई भी चीज़ है वो 100% कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हों, कोई भी हो नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सब अच्छे नहीं होते, अच्छे होते तो उसके साथ बुरे भी लग, उनके अंदर कुछ उनकी नीतियाँ कुछ ख़राब भी होती है जो लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, वो हर आदमी को 100% नहीं दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल यही है, जिस तरह से गुलाब का फूल होता है ना, उसके अंदर कांटे भी होते हैं, वो कांटा लगता है तो आदमी को अफसोस होता है, मगर फूल तोड़ता है तो अपने कितना खूबसूरत होता है कि नहीं होता। तो इसी तरह से हमारे मोदी जी हैं, उनको भी चाहिए थोड़ा सा और उनको वक्त दिया जाए, ताकि और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली जो उनके कुछ नीतियां हैं जो मतलब सभी लोगों के ऊपर के लिए रोजगार है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी जो अभी रुपया कहाँ पहुंच गया पता आपको कुछ? रुपया कहाँ पहुंच गया, कितना कर्ज हो गया इसकी सरकार में कुछ मालूम है आपको? फिर लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मतलब ये मोदी सरकार ने अभी भी और 10 साल खाने के बाद में अभी 5 साल और दे दो, कितना महंगा सूट पहनते हैं, कितना महंगा चश्मा लगाते हैं, आपको मालूम है? मेरे भाई जो आदमी जहाँ जाता है ना उसके देखिए, अभी विदेश में इन्होंने जाना है, कितने रेप हुए हैं आपको मालूम है? कम से कम ये तो शर्म गहरात आनी चाहिए। देखिए लोकल प्रशासन के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि वो कंट्रोल करे। मेन चीज है मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री, हमको सोचना चाहिए। मणिपुर पे एक बार भी नहीं बोले हैं, बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? फिर क्यों नहीं बोले? उनकी है, बोलना चाहिए उनको, लेकिन ये है कि बस यही चीज को मैं बोला अभी वैक्सीन के ऊपर कुछ नहीं बोलना है,
पूरे देश को जो है बर्बाद कर दिया। अभी आप देख लीजिए, एक अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो है ऐसा लग रहा है सर, आपकी चुप्पी चुप्पी में ऐसा लग रहा है कोई जवाब नहीं है। नहीं जवाब है, क्यों नहीं जवाब है, लेकिन ये इनका भी कहना, मैं इनको इजराइल की जंग रुकवा देते हैं, रूस की जंग रुकवा देते हैं, मणिपुर की जंग नहीं रुकवाते हैं, वहाँ पे एक जो है महिला को जो है निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उस पर आप कुछ, वो कुछ नहीं बोलते हैं मोदी जी। देखिए मोदी जी बिल्कुल साफ सुन जाता है मोदी जी को। अभी मैं क्या बोलूं, जाइए ना बोलिए, मोदी जी को बोलेंगे जाके। नहीं नहीं, कोई पॉइंट सिंह के जो इन्होंने उठाए हैं बिल्कुल सही उठाए हैं सर। जो मुद्दा जो जहाँ तक ये है ना, जहाँ तक नौकरी का मुद्दा है, इसमें तो हम ये गवर्नमेंट सर, ये भी सारे मुद्दे देश के ही मुद्दे हैं। देखिए सबसे मेन मुद्दा है कि जो है सुरक्षा की बात करते हैं, मणिपुर के ऊपर बात क्यों नहीं करते, ये तीन मुद्दे तो अहम है नहीं है। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि भाई जाते नहीं जाते कि देश जो है पढ़े, देश आगे बढ़े। नहीं तो पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कहाँ मना कर रही है कि भाई अपना पढ़ाए मत पढ़ाए, सरकारी स्कूल दिखा दीजिए मुझे, कहाँ चले अच्छे हैं बता दीजिए मुझे। एक, एक दिल्ली से हट के कौन सा राज्य है, मैं सारे राज्यों की बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, एक दिल्ली से हट के सरकारी सरकार बिहार में भी बहुत डेवलपिंग किया है शिक्षा के मामले में भाई। हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं आप, कौन से जिले में प्राइवेट को छोड़ के सरकारी एडमिशन ले रहे हैं, उसमें फैसिलिटी नहीं, उसमें फैसिलिटी मिला है, बता दीजिए पढ़ाई होती है, लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, क्या बात अब करेंगे नहीं मिल रहा है। हमारे नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार हमारे किसी और की बात करो, और भी लोग जुड़े हुए उनसे भी बात करूंगी मैं। हाँ जी सर, यही की दिल्ली के रहने वाले जी, मैं ओखला का रहने वाला हूँ। कहाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम खतीब खान है। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आ सकती है? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, जो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी झूठे ख्वाब दिखलाए थे हिंदुस्तान में लोगों को, वो आज बेहद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अभी था, मेरठ के अंदर बहुत अच्छा इलेक्शन रहा है, इसके बाद बिजनौर के अंदर बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, कैराना के अंदर बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, सहारनपुर के अंदर बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, तो इंडिया गठबंधन यूपी के और भी बहुत सारी जगहें बाकी है, बरेली में होना है, अभी रायबरेली के अंदर और अमेठी के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ के आवाम भाई से पूछ रही है जनता सीटों की, अभी घोषणा नहीं हुई है सर, लेकिन आज घोषणा हो जाएगी सीटों की। राहुल गांधी जी की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है अमेठी के अंदर, जब से टक्कर दे पाएंगे, स्मृति ईरानी जी ने वहाँ 5 साल कुछ नहीं करा है, सिर्फ एक या दो मरतब वहाँ पर राउंड मारकर आई है, कोरोना काल के अंदर राहुल जी ने स्पेशली वहाँ पर, स्मृति ईरानी जी का वहाँ पर घर भी हो चुका है, कहा जा रहा है की वो वही की है, घर तो उन्होंने अभी किराए पे लिया, वो अपना घर भी नहीं है, लेकिन राहुल जी का वहाँ पर शुरू से घर है, उनके दादा वहाँ से लड़ चुके हैं, उनके वालिद साहब वहाँ से लड़ चुके हैं, उनके चाचा वहाँ पर लड़ चुके हैं, सोनिया गांधी जी वहाँ पर इलेक्शन लड़ चुकी हैं, और राहुल गांधी जी वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले वक्त के अंदर। ठीक है, क्या लग रहा है जो बीजेपी सरकार ने नहीं किया और राहुल गांधी जी आकर जो है परिवर्तन करते हैं? देखिए राहुल गांधी जी ने सबसे अच्छा जो वादा किया है वो महिलाओं के लिए किया है, तो महिलाओं के 1 लाख देने की, 1 लाख हर महिला के खाते के अंदर महिला के अंदर आएगा, ये सबसे अच्छा आएगा, 8,500 महीना एक महिला को मिल जाएंगे उसके अंदर, इसलिए क्या होता है कि किसी का पति बीमार है बेचारा, वो काम नहीं कर सकता, वो कम से कम 8,500 के अंदर घर चला लेगी कम से कम रोजगार। सर बीजेपी की सरकार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं ये भी बहुत परेशान है रोजगार के लिए, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो मैं बार बार डेली अपने, हमारा एक शो जाता है सर किस्सा कुर्सी का, जहाँ पे पूरे दिल्ली का सर्वे कर रही हूँ और भी यूपी से भी सर्वे मेरे सहयोगी लेते हैं सर, लेकिन रोजगार का एक ऐसा मुद्दा जो बार बार उठ रहा है जी, तो कांग्रेस आने वाले, जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है तो उसने विकास किया है, आप देख लीजिए राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस थी तो वहाँ पर आप मात्र सिर्फ 400 रुपए के अंदर सिलेंडर मिलता था, ठीक है ना, और 35 किलो हर महीने उनको अनाज मिलता था, तो कांग्रेस ने हमेशा पब्लिक के बारे में सोचा है, महंगाई बढ़ गई आप, हाँ बीजेपी जब से महंगाई में गया, हमारा सिलेंडर देख लीजिए, हमारी गवर्नमेंट जब उस टाइम पे थी 400 सिलेंडर मिलता था, आप देख लीजिए कम से कम 1,100 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, तो यह जो तेल हुआ करता था वो 50 रुपये 60 रुपये किलो मिल जाया करता था, आज 120 140 160 रुपये किलो मिल रहा है, दाल 35 40 रुपये किलो मिलती थी, आज देख लीजिए 200 के बाद दाल पहुंच गई है, हर चीज़ महंगाई है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जीएसटी टैक्स हर चीज़ पे लगा दिया गया है, इवन बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ों पे भी जीएसटी, जी 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 सत्ता में आए हैं तभी से जीएसटी को ले लिए, 370 ले लिए, उल्टी सीधा मतलब ये कमेंट में करते जा रहा है, विकास को बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम इसलिए बातें करते हैं, आज देख लीजिए मीडिया में क्या चल रहा है कि पाकिस्तान के किसी उसने ट्वीट कर दिया कैसे थे राहुल गांधी जी वहाँ पर आने जी, राहुल गांधी का काम करना चाहिए इस तरीके से, तो उसी को मुद्दा बना रखा सर, जनता कुछ जनता ऐसी भी है सर, सारी तो नहीं कहूँगी, कुछ जनता ऐसी भी है जो ये कहती है कि बीजेपी के जो विपक्ष में है, जो विपक्ष में हमें ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता, वो ये कहते मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर ही बनने के लायक है और कोई ऐसा विपक्ष पार्टी में हमें चेहरा ही नहीं नजर आता। आप मेरी बात सुनिए, मणिपुर के अंदर कितना बड़ा अभी हादसा हुआ है, ठीक है, अगर वो देश के प्रधानमंत्री, सबके लिए प्रधानमंत्री है ना, तो मणिपुर जाना चाहिए था,
तो लेकिन वो जगह नहीं मणिपुर के अंदर, सीधे यहाँ की बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, अदानी अंबानी की बातें करते हैं, अदानी के प्रोग्राम के अंदर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर उसको उस घाट के अंदर मणिपुर नहीं जाते हैं आप लोग। तो कैसे प्रधानमंत्री हैं? एक राहुल गांधी मात्र हिंदुस्तान के अंदर एक फेस ऐसा है जो कन्हैया कुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है, नेताओं की बात सुनता है, उनकी बात समझता है, उसकी बात समझने के बाद अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करता है और उसको बात उठाता है आपकी वजह। अब प्रधानमंत्री बनेंगे ना, वो लोगों की समस्या जानेंगे, इनकी समस्या जानेंगे, मेरी समस्या जानेंगे, हर किसी समस्या जानेंगे, तो वो दस समझ सकते हैं पूरे हिंदुस्तान घूमने के बाद। आज देश से उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है राहुल जी को। सर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में आप मुख्यमंत्री का किसका चेहरा देखना चाहते हैं? देखिए दिल्ली के पक्ष में अभी तो इंडिया गठबंधन के अंदर आएगी, ऐसे तो हम अभी इलेक्शन जो लोकसभा के चल रहा है, अभी तो हम लोकसभा के ऊपर बात करेंगे, तो अभी तो हम प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं सर, क्या हो? कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु कहे के मोदी जी कह रहे हैं दुनिया के नेता हैं। पहले एक रियाल 11 रुपए में बनता था इंडिया में, आज 22 रुपये बन रहा है, तो कहाँ के विश्व गुरु रहे? 60,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी, आज 1,20,000 की मोटरसाइकिल मिल रही है, बताइए आप महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बीए करके बेरोजगार हैं, यहाँ सारे लड़के बेरोजगार हैं जो पार्क में आके बैठ रहे हैं। अगर काम होता, कंस्ट्रक्शन का काम चलता, तो आरसीसी का काम करता, कोई कारपेंटर करता, कोई स्टील फिक्सर करता, यहाँ कुछ काम नहीं है। नोएडा में फैक्ट्री कंपनियाँ बंद हो गई हैं, बेरोजगारी तो कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा और इस देश में कुछ नहीं। देखिए सर, बार बार चुनाव, पूरे चुनाव में नहीं दिखा, लेकिन जो दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं, उसमें हर रैली में लगातार 4-5 दिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करी, मंगलसूत्र की बात करी, उस पर आपकी क्या राय? उनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं मैडम, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भगाओ, आज देख लिए पैसा खाया इन्होंने कंपनियों से, आज वो कंपनी कह रही हमारे वैक्सीन लगाने से आदमी मर सकता है, कोविशील्ड ये हो रहा है। उनके जितने भी विकास के थे सारे अधूरे हैं, उनका कोई भी विकास है 100 दिन में अच्छे दिन लाएंगे। आज मोदी जी का था भाषण कि हम सारा मैन्युफैक्चर तैयार करके रखा हुआ है, 100 दिन में अच्छे दिन कर देंगे, जो 10 साल पहले वादा किया था वो तो किए नहीं 10 साल में, आज फिर कह रहे हैं 100 दिन का टाइम दीजिए हमको, हम सारा तैयार रखा हुआ, 100 दिन में सब पूरे देश को हम नौकरी दे देंगे, विकास दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी गाड़ी मांग रहा है, कहाँ देगा गरीब आदमी गाड़ी है? जो जो 50,000 की गाड़ी आती थी वो 1,00,000 रुपए की होगी, 15 लाख की बात करे थे, आए यहाँ पे किसी के अकाउंट में? हमने किसी ने अकाउंट खुलाया है इसी चक्कर में कि 15 लाख आएंगे NFC में, 15 लाख जो 50,000 रुपए गाड़ी आती है, 1,00,000 रुपए गाड़ी कहाँ दिया गरीब आदमी? हर आदमी गाड़ी मांग रहा, कोई बुलेट मांग रहा, कोई वो मांग रहा, बिल्कुल गरीब आदमी कहाँ देगा, इतनी महंगाई हो गई कहाँ देगा आदमी? आपकी बात सही है सर, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रो बॉन्ड पे सर बीजेपी बहुत कम बात करती हुई नजर आ रही है। हाँ जी, मोदी सरकार नहीं चाहिए। किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार नहीं तो किसकी सरकार है? किसी भी, कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, बिल्कुल इंडिया का कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, पर उसकी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है सर, इलेक्ट्रो बॉन्ड पे बीजेपी बहुत कम बात करती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है? ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाली बातें करती है बीजेपी जो करती है। आप देख लीजिए अभी देवगौड़ा के पोते ने वहाँ पर 300 महिलाओं के साथ रेप कराएगा, तो वो उससे भटकाने के लिए उसे कह रहे फेक वीडियो आएगी, आपकी मतलब नाक के नीचे से वो विदेश भाग जाता है। आप उस मुद्दे बात नहीं करते, आप उसके मुद्दे बात नहीं करते हैं, तो आप भटकाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना माहौल बना चुका है, अपने वो वोट देना चाहता है, इनको लगाना चाहता है, वो कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन को वोट देना चाहता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी को बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मीम्स बनाते हैं, ठीक है, पप्पू के नाम से बुलाते हैं, कहते हैं ये क्या देश चलाएगा, इनको बोलना नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी जितने सुलझे हुए इंसान है, बहुत शरीफ आदमी, पप्पू सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए है। न राहुल गांधी के सामने मोदी जी टिक सकते हैं बात करने में, सेम टू सेम आके उनसे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पप्पू सिर्फ नफरत के लोग हैं जो उनको ऐसा अल्फाज बोल रहे हैं। देखिए पिछली बार तो बीजेपी ने जो अपनी वोट से ऑलमोस्ट 15 लाख का जो जुमला उन्होंने खुद का ये जुमला था, ठीक है, दूसरी बार राम लल्ला को अयोध्या में लाने वाले उनके हिसाब से वही है। राम जी तो पहले भी थे, हम भी राम को मानते हैं, हमने भी राम जय सीताराम का नारा था, ये तो नफरती नारा हो गया है, नफरती नारा हो गया। अभी कौन सा नारा बोलते हैं? जय राम जी, जय राम जी की पहले सीताराम चलता था, सीताराम चलता था,
जो रामलला को लाए हैं हम उसको लाएंगे, फिर भगवान रामलला तो पहले से थे, सारे सबके घर में थे, सबके हम लोग किताबों में पढ़ा राम के बारे में, राम तो मानवता के साथी थे, नफरत वाले राम नहीं थे। सही बात है सर, आपकी ये बात सही है कि रामलला जो है सबके हैं, लेकिन कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लग रहा है हो पाएगा? 150 पार कर लें पहले, जो आज लोग कह रहे हैं, जो आज 150 पार कर लें, ये इंसान है, लेबर है, लेबर है ये सारे लोग, अगर ये लेबर काम होते हैं तो ये पार्क में नहीं बैठते। हमको काम चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, सब हिंदू मुसलमान सब इंसान है। ठीक है, आपकी हिंदू मुसलमान के पहले एक नारा चलता था सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन अब वो नारा जो है बिल्कुल अलग ही दिशा में, नहीं एक विचारधारा के लोगों के लिए अलग है, वरना सारे लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, सारे हम लोग आपस में भाई एक साथ खाने वाले हैं और एक साथ रहेंगे। ये चंद दिनों की नफरत है, ये बहुत दिन नहीं चलेगी। गैस भरा दिया, नंबर भरा दिया, गैस भरा दिया, तेल भरा दिया, तेल का 250 रुपए किलो हो गया तेल, अब क्या करोगे इसका? पेट्रोल का देख लो, पेट्रोल का देख लो आप लोग, दाल का देख लो, अब क्या कहोगे इसमें? सिलेंडर तो कहते हैं कि हमने दे दिया, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? इतनी महंगी गैस कर दी है, सिलेंडर देने से गैस तो हर महीने भरवानी पड़ती है। लोग बीजेपी कहते हैं फ्री में 5 किलो राशन मिला, तो लोग 5 किलो बेच के सिलेंडर भरा रहेंगे, यही सोचना है ना कि आपको फ्री में 5 किलो फिर 5 साल मिलता रहेगा। 5 किलो से हो सकता है क्या? पेट भर सकता है 5 किलो से? जब तक मजदूर को काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिले, हमको पूरी दिहाड़ी चाहिए 30 दिन की, 200 की मिले दिहाड़ी, 400 की मिले, लेकिन पूरी पर पूरे महीने चाहिए, पूरे साल की चाहिए। ये 5 किलो राशन से पेट नहीं भरने वाला है, आधा अधूरा में आदमी मर जाता है। राशन की बात कर रहे हैं सर, जो बहुत सारे ऐसे देखिए आप आसपास देखिए, हर तरीके के आपको लोग नजर आएंगे, जो एक लोग हैं, लोगों का एक माइंडसेट बैठ रहा है कि जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, फंसता कौन है सर? मिडिल क्लास और गरीब लोग। ठीक है, उसके लिए आपको क्या लग रहा है, अगर आप कह रहे हैं गठबंधन की सरकार आएगी, राहुल गांधी जी इन सबको क्या ऐसा वादा देंगे, जो आपके सामने बहुत सारी पब्लिक है, ठीक है सर, कि ये लोग जो है उनको जो है वोट दें? ये असल में इन लोगों ने पहले भी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री शीला जी यहाँ पर रही हैं, और शीला जी ने जो वादे करे थे वो पूरे करेंगे। आप देख लीजिए पूरा डेवलपमेंट कितना अच्छा करा था उन्होंने, घर घर पानी पहुँचाया था, घर घर राशन बुलाया था, रोड इतने अच्छे बनाए थे, फ्लाई ओवर इतने अच्छे बनाए थे, दिल्ली को फ्लाई ओवर का जाल बना दिया तरीके से। आप साकेत कोर्ट ले, कितना अच्छा कोर्ट बना रखा है, हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर शीला जी ने काम करा था, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आएगी, इन गरीबों के लिए सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आएगी, इन गरीबों को मकान दिए कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी बीजेपी के जो बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं ने अपना मैनिफेस्टो चलाया ना, वो सारे वादे जो कांग्रेस ने करें थे वो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी करेंगे। युवाओं को 10 लाख रुपये के दिए जाएंगे सबको नौकरी लिख के, हर एक आदमी को जो परेशान हाल है, जो एक्सीडेंट में हो जाता किसी का, उसको अपना 10 साल तक का उसको इलाज कराने तक की अपने हमने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। तो मैनिफेस्टो को हमने जो कांग्रेस पार्टी लिखा है वो पूरे कमेंट में कांग्रेस पार्टी करेगी, और आने वाले वक्त के अंदर मोदी जी सर, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई गरीब बड़ो अमीर सबको बराबर कर दिया, 5 किलो राशन दिया, कहता हम दुनिया खरीद लिया, और उसका घर से दे रहे हैं, हिंदुस्तान का बेईमान स्थल बना दिया। ये जो राशन मिल रहा 5 किलो मोदी जी की स्कीम का नहीं है, ये कांग्रेस ने पास करके चला गया था, मनमोहन सरकार जब थे उन्होंने पास किए, या मनरेगा ने कांग्रेस का है, या जो भी जब सबको इंदिरा आवास मिल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम सबको पक्का मकान दे रहे हैं, ये सिर्फ सारी रणनीति सारी जो उन्होंने विकास कांग्रेस के दिए हुए, सिर्फ मोदी जी ने घर घर शौचालय दिया था, इसके अलावा उनका कोई और नया काम नहीं है। एक मिनट, मोदी जी शौचालय दिया था, गांव में घूम के देखो 10% शौचालय दिया, 90% झूठ बोला। सड़कें बनी आपकी यहाँ की? सड़कें बनी आपकी यहाँ की? कुछ भी नहीं बनी है, स्कूलों में विकास गुलाबाजी छाड़ा नहीं है। अमित शाह बोला था ना, जिस इसी प्रकार वोट चाहिए हमें, सत्ता चाहिए, ऐसे मोदी जी को सत्ता चाहिए, अगर मोदी जी बैठ के रहेगा तो हिंदुस्तान बेकार स्थान पर लग रहे हैं। 400 पार कर पाएंगे? 400 पार नहीं है, 40 पार कर देगा, 400 की दूर की बात। हम बंगाल की हूँ, ममता बनर्जी के है, मैं बता रहा हूँ,
ममता बनर्जी 44 सीटें आएगा ममता बनर्जी के साथ, जितना गुंडागर्दी करे कुछ नहीं होगा ये गठबंधन के साथ। हाँ ममता बनर्जी सबका साथ है, हम सबके विकास है, हम मोदी का साथ नहीं हूँ, मोदी जी के साथ भी मोदी जी। राम मंदिर नहीं बनाता, राम सबका हृदय में होता है, समझ गया। हाँ मुसलमान हिंदू जुमलाबाजी करके देश को बर्बाद, 15 लाख आए आपके, 15 लाख नहीं है उनका औकात के 15 लाख देने के लिए। एक मिनट, उन्होंने वोट लेने के जुमलाबाजी बात किया था, अमित शाह जी ने कहा भी था कि 15 लाख जो दिया, 15 लाख वो देश का सबको दिया, वो अपना बीवी के नहीं पाल सकता, वो क्या पालेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो, ये विकास की बात करते हैं तो विकास की बात तो ऐसी है, आप एक बार पहले यूपी के स्कूल देख लीजिए गवर्नमेंट, और फिर दिल्ली के स्कूल आगे गवर्नमेंट देगी, आपको फर्क यहीं पे पता चल जाएगा फर्क। उनके हिसाब से तो दिल्ली केजरीवाल जी जो है बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही थी, बस घोटाले पे उनका ध्यान था। ने मेरी नजर में मैं किसी पार्टी का वो न्यू समर्थक, लेकिन केजरीवाल ने जो काम करा मेरे हिसाब से किसी ने नहीं करा, किसी ने काम उसने इतनी फैसिलिटीज दी है उस बंदे ने, और आज उसी बंदे के साथ इतना अपोजिट हो रहा है कि हम देख रहे हैं सब। कितने साल के हो तुम? 17। अभी 17 साल के और इतनी राजनीति की उनको समझ है? समझ नहीं, मतलब हमें दिख रहा है ना कि फैसिलिटीज जो हमें मिली हैं हमारे स्कूल से, एक हम जब प्राइमरी टाइम में थे तो हमारे स्कूल थे, और अब जब हम सीनियर में आए तो हमारे स्कूल, आप यहीं पर आके देखिए एनएफसी में स्कूल पीछे, मतलब अगर कोई यूपी का बंदा आएगा ना नया नया, और उसे हम दिखा देंगे यहाँ के स्कूल, तो देख के कहेगा ओ ये कौन सी कंपनी है, वो देख के बता ही नहीं पाएगा कि ये स्कूल है, क्योंकि यूपी में आज भी वही स्कूल है दरिया बिछा के। चलिए ठीक है, हमने सबकी राय सुनी आपने यहाँ पे। हाँ जी, वो एक के साथ एक जो पिलाई थी वो तो बताया नहीं आपने। सर लिया तो सबने था, सबसे पहले सबने लिया था। आपने भी लिया जरूर। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी जो है मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मोहम्मद राशिद मेरा नाम है। अभी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, अभी अगर कोई अगर नॉर्मल बंदा कोई केस कर देता है तो उसको बुलडोज चला कर तोड़ दिया जाता है सब कुछ। अभी बीजेपी का विधायक थे उन नाम से सेंगर जी, उन्होंने जो है लड़की से बलात्कार भी किया, और जो गवाह वहाँ पर कोर्ट में गए गवाही देने के लिए उनके ऊपर उन्होंने चढ़ाकर मार दिया गया, सरकार ने उनको पर एक्शन करने लिया होगी जी। ये सरकार जो है झूठी है, जुल्मों की सरकार है, यहाँ गरीबों का साथ कोई नहीं देता है, जो अमीर धंधे वाले लोग हैं उनको कौन आपको लगता है दे सकता है साथ? गठबंधन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और अब की बार अभी सुनो, अभी दो चरणों में चुनाव हुआ, पहले चरणों में 102 सीटों चुनाव हुआ, दूसरी मासी में चुनाव हुआ, पहले चरण में जो चुनाव हुआ 60.82 हुआ लगभग। अभी मैडम इसे मीडिया से रिपोर्ट मांगी, ना ही मीडिया ने कोई रिपोर्ट दी, मीडिया ने रिपोर्ट कोई नहीं दी, मीडिया ने रिपोर्ट 19 तारीख के बाद कल रिपोर्ट दी है। 6% 4 दिन 6% इन्होंने क्यों बढ़ाया, वोटिंग परसेंट कहाँ से बढ़ गया, ये धांधलबाजी कर रहे हैं खुला खुला, जनता का गला घोट रहे हैं। इसलिए हम जनता को सब कुछ जागरूक होने की जरूरत है, अब की बार गठबंधन को वोट करें और गठबंधन राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखें एक बार। ठीक है, चलिए अब हमने सबकी राय सुन ली, आपने सुना कि युवाओं की क्या राय है, आपने सुना कि जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, जिन्होंने बीजेपी की सरकार भी देखी है, उनकी क्या राय थी। देखिए जनता ही बनाती है प्रधानमंत्री जी, जनता ही चुनती है कि किसकी सत्ता होनी चाहिए और किसकी नहीं, लेकिन ये एक मैं बार बार कहती हूँ कि फैसला 4 जून को पता चल जाएगा इस बार किसकी सरकार और किसकी नहीं, कौन अच्छे काम कर रहा है और कौन नहीं। लेकिन आप बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।